हेलो गाइस। सो यार फाइनली बहुत सारे इंतज़ार के बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट की क्वारीज है रिगार्डिंग द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार गया कि भैया हमारे जो रजिस्ट्रेशन है वो हो नहीं पा रहा है और हम जो है रजिस्ट्रेशन कैसे करें, तो क्या सारा सीन है, आपको कैसे रजिस्टर करना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार गया की वेबसाइट पे, तो कंप्लीट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, देखने वाले हैं क्या सारा सीन है। तो यार ये जो है गया की वेबसाइट है और क्या इश्यू फेस करना पड़ रहा है बच्चों को, क्या सारा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नोटिस वगैरह आ रखा है रिगार्डिंग द CUET रिलेटेड नोटिस एंड नोटिफिकेशन। तो यार जैसे ही आप इसकी वेबसाइट पे जाते हो तो आपको जो है CUET के रिलेटेड एक नोटिस दिखता है, ठीक है, दस वेबसाइट। ओके सो ये नोटिस आया है, ये देख सकते हो CUET एडमिशन UG। ओके जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया फिर से वही खुलेगा। अब यार देख सकते हो पूरी की पूरी कंप्लीट के अंदर डिटेल जारी कर दी गई है। पहले तो पब्लिक नोटिस भी रिलीज किया गया रिगार्डिंग द CUET UG एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके बाद जो है नोटिस है UG एडमिशन से रिलेटेड, उसके बाद जो है वन टाइम ऑफ काउंसलिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी गई है क्या क्या है। पहले अपन सारा का सारा पढ़ लेते हैं यार, ठीक है। तो सबसे पहले पहला नोटिस देखते हैं। तो गाइस पहला नोटिस कॉलेज की तरफ से यही आया है, देख सकते हो कि रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट है 16 से लेके 25 तारीख तक। आपको अगर ये कैटेगरी है तो 500 रुपये देने हैं और अगर अदर कैटेगरी है तो 200 रुपये देने हैं, ठीक है। आपको जो है इस पोर्टल के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन करना है, जैसा कि इस पोर्टल पर हम जाते हैं और जैसे मैं एडवांस पे जाऊँगा यहाँ पे, और ये पोर्टल आई थिंक नहीं खुल पा रहा है, ठीक है। मैं इसको कंट्रोल सी किया, दूसरे विंडो में गया, इसमें पेस्ट किया, इसमें गया, तो ये भी एरर दिखा रहा है। अब यार मैं जस्ट क्या करता हूँ, मैं थोड़ा दिमाग लगाता हूँ, ठीक है, CUET को हटा देता हूँ और क्या। अब देखते हैं, फिर भी एरर आया। AC 2-3 कर दिया मैंने। पर मैंने सिंपल सा फंडा अपनाया, जो भी हमारी जो CUET वाली वेबसाइट है, ठीक है, यहाँ पे मैं ब्राउज़र में गया, जो CUET जो था इसको मैं ऐसे करके यहाँ पे मैं CUSB कर देता हूँ, CUSB, और इस पे जैसे मैंने क्लिक किया तो जैसे देख सकते हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार का जो विंडो है वो खुल चुका है, ठीक है। अब ये विंडो जो खुला है यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है फर्स्ट टाइम लॉगिन, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे से रजिस्टर्ड ईमेल आईडी मांग रहा है, तो जैसे मैं अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डाल देता हूँ यहाँ पे, फिर यहाँ पे कैप्चा, तो यार ये देख सकते हो यूजर नोट एक्सिस, ठीक है। तो यार पहले तो सारी की सारी ये अपडेट पढ़ लेते हैं क्या सारा नोटिस में क्या लिखा गया है। तो यहाँ पे लिखा गया कि यार जो फर्स्ट राउंड है हमारा, ठीक है, प्रोग्राम वाइज जो फर्स्ट राउंड है विल बी अनाउंस्ड ऑन 10 अक्टूबर 2022। ओके 10 अक्टूबर को जो है हमारा फर्स्ट राउंड अनाउंस किया जाएगा, और उसके बाद जो शेड्यूल ऑफ जो भी है यहाँ पे रिलीज किया गया है कि 16 से 25 तक रजिस्ट्रेशन है, एंड कट ऑफ मार्क्स जो भी है प्रोग्राम वाइज वो 28 सितंबर को रिलीज किया जाएगा। डिपॉजिट ऑफ फुल प्रोग्राम फीस वो जस्ट लाइक 29 सितंबर को। सेकेंड राउंड का जो है इस प्रकार से सारा का सारा इसने डाल रखा है, ठीक है।
अब जो हमारा जो सेकंड जो था, ठीक है, ये मान सकते हो कि आपको 25 तारीख तक कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। हालांकि यार वेबसाइट पे कुछ इश्यू आ रहा है अभी, तो जल्द से जल्द जो भी शो होता है जैसे यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करके जल्दी मैं आपसे आपके लिए एक फॉर्म अपलोड करूँगा। हालांकि फॉर्म के अंदर कुछ पोर्टल पर इश्यू आ रहा है तो मैं फॉर्म फिल नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो जस्ट सेकेंड है यार प्रोग्राम फीस डिटेल, तो फीस वगैरह के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो जस्ट देख सकते हो बीए बीएड की जो फीस है वो इतनी फीस है 1,17,000, 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड की 1,27,000, 5 ईयर इंटीग्रेटेड बीए बीएलबी की 1,12,000, कुछ ऐसे कुछ है। ओके, उसके बाद जो हमारा थर्ड नंबर का क्या नोटिस आ रखा है, थर्ड नंबर का नोटिस है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सीयूएसबी 2022, तो ये भी देख लो। तो यार अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग है, जैसा कि आप देख सकते हो बीए बीडीएड के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो आपके पास एक लैंग्वेज होना चाहिए, इंग्लिश कंपलसरी है। दूसरा जो है, दूसरा जो डोमेन है उसके अंदर आपका क्या, इनमें से कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। जस्ट लाइक ये देख सकते हो, एक जो है जनरल टेस्ट कंपलसरी है, और इनमें से आपका अगर कोई सा भी सब्जेक्ट है, ये ज़रूरी नहीं है कि टीचिंग एप्टीट्यूड कंपलसरी हो। जैसे आपके पास हिस्ट्री हो सकता है, इकोनॉमिक्स हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस हो सकता है, कॉमर्स हो सकता है, आर्ट्स हो सकता है, साइंस हो सकता है, इनमें से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कंपलसरी है इंग्लिश, और ये जो जनरल टेस्ट कंपलसरी है, और ये जो सारे हैं ये कंपलसरी नहीं है। मतलब इनमें से होना चाहिए लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई सा भी हो सकता है, ठीक है, कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। तो जस्ट लाइक टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ओके, साइंस स्ट्रीम, फिर इस प्रकार का आपको ध्यान रखना है। 12th के अंदर आप देख सकते हो मिनिमम इतने परसेंटाइल होने चाहिए, 50 परसेंटाइल होनी चाहिए ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, 5% का रिलैक्सेशन है जो भी लोअर कैटेगरीज के लिए, ठीक है। तो इन सब बातों का बिल्कुल ध्यान रखेंगे सारे के सारे बच्चे। ये देख सकते हो डोमेन के अंदर अलग अलग यहाँ पे दिया गया कि फर्स्ट आपके पास पहले तो इनमें से एक होना चाहिए, दूसरा इनमें से एक, तीसरा इनमें से जो भी ऑप्शन अवेलेबल हो आपके पास, इस प्रकार से जो है इसने ये एडमिशन का क्राइटेरिया दिया। देन जो है फोर्थ में क्या दिया गया है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट है, डॉक्यूमेंट्स लिस्ट, तो इसको आप बच्चे ध्यान से देखेंगे। तो यार लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स ये देख सकते हो, 12th की मार्कशीट, वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ डेथ ऑफ बर्थ, आधार कार्ड चलेगा, उसके साथ जो है सर्टिफिकेट ऑफ करेक्टर सर्टिफिकेट जो कि आपका प्रिंसिपल बना के देता है, कास्ट सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट मेडिकल, ठीक है, ये जो फॉर्मूला सर्टिफिकेट है आपको एनटीए की वेबसाइट वगैरह पे या फिर आपका जो भी रिजल्ट वगैरह है उसकी वेबसाइट पे मिल जाता है। गैप सर्टिफिकेट इफ अप्लीकेबल, बैंक पासबुक या फिर जस्ट लाइक रद्दी चेक, ओके, और 6 पासपोर्ट साइज फोटोज, ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑफलाइन सबमिट करने हैं, तो ये आपको डॉक्यूमेंट बना के तैयार रखने हैं। यार अगर आपके पास ये जो डॉक्यूमेंट अगर नहीं है देन आप जो है ये सबमिट कर सकते हो, ठीक है, ऑनलाइन, ये जो डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं वेबसाइट पे, ये जस्ट लाइक इस टाइप के डॉक्यूमेंट, ठीक है, यहाँ से आप डाउनलोड करके अंडरटेकिंग डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर सकते हैं, और इसमें मेंशन कर सकते हैं कि ऑफलाइन जब मैं सबमिट कर दूंगा वहाँ पे, जब मेरा एडमिशन अगर हो जाता है तो इसका भी सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा यार जो लास्ट ऑप्शन है वो है नोटिस फॉर यूजी एडमिशन 2022। तो नोटिस में क्या आया, नोटिस भी काफ़ी लंबा चौड़ा नोटिस दिया इन लोगों ने, ठीक है। यार सबसे बड़ी अपडेट ये है कि जो इन लोगों ने जो है वेबसाइट दी है, जैसा कि ये CUSB CUCET.smart.edu.in, ये वेबसाइट रन ही नहीं कर रही है, चल ही नहीं रही है वेबसाइट। इसकी जगह अगर अपन CUSB.smart.ac.in अगर यूज करके देख रहे हैं तो वो चल रही है, लेकिन ये जो वेबसाइट इन लोगों ने दी है इसमें या तो प्राइवेसी का एरर आ रहा है या फिर नॉट ओपनिंग है, ये ओपन ही नहीं हो रही है अभी। यार 25 तक का टाइम है, देखते हैं जस्ट लाइक यूनिवर्सिटी से कॉन्टेक्ट करके कि क्या सारा सीन है, कैसे फॉर्म वगैरह फिल करना है, ठीक है गाइस।
थैंक यू।